है, आपने उसको काउंट करना है, और काउंट करके आपने जो है वो एम्प्टी स्पेसेस को जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखें, आप लोगों ने जो है वो सी डी और ई पार्ट जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएँ, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने भी अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, और डिसेंडिंग ऑर्डर भी फिर बताती जाती हूँ। अर्थात असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बिगर टू स्मॉलर। तो हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें और डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। तो पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, 38 है, 38 सबसे स्मॉलर नंबर है इन नंबर्स में से। नेक्स्ट, इससे जो है वो लार्जर कौन सा है? 63, 72, 55 या 96? तो कौन सा है? 55। ओके, 55 से बिगर नंबर कौन सा है? 55 से बिगर नंबर कौन सा है? 63। तो हम जो है वो 63 लिखेंगे। नेक्स्ट, 63 से बिगर नंबर कौन सा है? 72। हम 72 लिखेंगे। नेक्स्ट, 72 से बिगर नंबर कौन सा है? 96। ओके, नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ आएं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मैंने आपको बताया है बिगर टू स्मॉलर, और आपको पता है कि सबसे बिगर नंबर कौन सा है? 96। तो 96 से स्मॉलर डिजिट कौन सा है? कौन सा डिजिट है? 72। नेक्स्ट, 72 से स्मॉलर डिजिट कौन सा है? 63। 63 से स्मॉलर डिजिट कौन सा है? 63 से स्मॉलर डिजिट कौन सा है अभी? 55। ओके, 55 से स्मॉलर डिजिट कौन सा है? 38, जो कि सबसे स्मॉलर डिजिट था। तो आप लोगों ने नोट किया होगा, असेंडिंग ऑर्डर जो है वो स्मॉलर टू बिगर जा रहा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कर रहा है? बिगर टू स्मॉलर। नाउ आई हैव डन अवर क्लास वर्क्स, एंड स्टूडेंट प्लीज़ यू डू योर होमवर्क ऑन द डेली बेसिस। और आप लोगों की डायरी है, आप लोगों ने टेबल 5 जो है वो आप लोगों ने कॉपीज़ पे करना है, और ये रिमेनिंग पार्ट्स भी जो है वो आप लोगों ने बुक पर करने हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।